नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार के छपरा में जहरीली शराब के कारण 80 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में ये डाटा 30 से 40 के बीच ही है, लेकिन इसके बावजूद अब इस पूरे मामले की जांच करने NHRC की टीम सारण आ चुकी है। इस कड़ी में इनके जांच से पहले बिहार सरकार की तरफ से इस मामले में जांच पड़ताल को लेकर गठित विशेष जांच टीम ने बड़ा दावा पेश किया है। बॉर्डर पर चीन के साथ जारी संघर्ष के बीच भारतीय सेना अब प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने जा रही है। ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक लक्ष्य को मार सकती है। भारतीय रक्षा बलों ने इसका प्रस्ताव पेश किया है और वो एडवांस स्टेज में भी है। इस सप्ताह होने वाली एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान इसे मंजूरी मिल सकती है। बिहार की सत्ता पर पिछले 15 सालों से काबिज नीतीश कुमार की सरकार विकास को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। शिक्षा के स्तर पर सुधार, बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी जरूरतों को बेहतर बनाने को लेकर उपलब्धियां गिनाई जाती है। हालांकि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के मामले में देश भर के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बिहार को 35वां स्थान मिला है। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया के एक ग्रामीण क्षेत्र फेरनडेल के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। भूकंप के बाद 70,000 घरों की बिजली काट दी गई। इस दौरान कुछ इमारतों और एक सड़क को नुकसान पहुंचा है और 2 लोग घायल हो गए हैं। भूकंप क्षेत्र सैन फ्रांसिस्को के लगभग 345 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और प्रशांत तट के करीब है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्षी एकता को देखते हुए भाजपा 2024 के आम चुनाव को लेकर सजग हो गई है। यही वजह है कि उसने पहले 144 सीटों को आम चुनाव में कठिन माना था, लेकिन इसे अब टारगेट को उसने बढ़ाकर 160 कर दिया है। इससे साफ है कि महाराष्ट्र और बिहार में वह 16 ऐसी और सीटों को अपने लिए कठिन मान रही है जिन पर अब तक उसे आसान जीत की उम्मीद थी। एलन मस्क ने मंगलवार को कहा कि अब केवल ब्लू टिक सब्सक्राइबर्स ही उनके पोल के लिए वोट कर सकेंगे। मस्क की ओर से सोमवार को जारी किए गए पोल में 57.5% लोगों ने उन्हें ट्विटर के CEO पद से हटने की बात कही थी। दरअसल उन्होंने ट्विटर यूजर्स के बीच एक पोल आयोजित कर पूछा था कि उन्हें इस कंपनी के प्रमुख पद से हट जाना चाहिए। संजय जायसवाल का सीएम नीतीश पर तंज, बोले बिहार में जो शराब पिएगा वो मरेगा और बेचेगा वो टिकट पाएगा। बिहार में जहरीली शराब के कारण अब तक सरकारी डाटा के अनुसार 42 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं विपक्ष की तरफ से यह आंकड़ा 100 के पार बताया जा रहा है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलवाने को देकर सदन से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कोविड नियमों का पालन करने के लिए नसीहत की है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार एडवाइजरी जारी करे तो उसका पालन किया जाएगा। यात्रा में शामिल सभी लोगों को टीके लग चुके हैं। लैपटॉप संग हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि अब उन्हें न एयरपोर्ट पर एंट्री में अधिक देरी होगी और न ही उन्हें अपने बैग से लैपटॉप निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एयरपोर्ट्स पर जल्द ही ऐसे नए स्कैनर्स लगाए जाएंगे जिससे यात्री बगैर अपने बैग से लैपटॉप निकाले प्रवेश पा सकेंगे। UPSC NDA CDS 2023 संघ लोक सेवा आयोग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक NDA और NA और CDS यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन परीक्षा का आयोजन अप्रैल में किया जाएगा। यह परीक्षा अप्रैल के महीने में 16 तारीख 2023 को आयोजित की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग आज 21 दिसंबर 2022 को इन दोनों परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 131 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,76,330 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 3,408 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में संक्रमण से एक और मरीज की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,30,680 हो गई है। चीन समेत दुनिया के तमाम देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। इसी बीच बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मीटिंग में देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार समेत स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। गूगल फॉर इंडिया के 8वें एडिशन में गूगल के CEO सुंदर पिचोई ने कहा कि हमने UPI स्टैक के आधार पर भारत में गूगल पे बनाया है और अब हम इसे दुनिया भर के अन्य देशों में लाने का प्लान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि एंड्रॉयड जैसे एक मुफ्त मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ने भारत जैसे देशों में डिजिटल क्रांति को शक्ति प्रदान की है, जिसके बाद अब दुनिया भर के कई देशों को भारत से सीखने की जरूरत है कि वह अपने देश में कैसे क्रांति ला सकते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि हमारी सरकार ड्रग्स और आतंक पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाती है। लोकसभा में अमित शाह ड्रग्स के मुद्दे पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ड्रग्स देश के लिए गंभीर समस्या है, मोदी सरकार ड्रग्स के खिलाफ सख्त नीति अपनाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ड्रग्स को लेकर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, ड्रग्स पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है, देश को नशा मुक्त करना पीएम मोदी का संकल्प है। डीएमपी एडवाइजरी के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल की वैल्यू 91,000 करोड़ से ज्यादा की हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल आईपीएल की मीडिया राइट्स की नीलामी और दो नई टीमों की नीलामी के चलते आईपीएल की ब्रांड वैल्यू में इजाफा हुआ है। चीन के अलावा कई यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है उससे तो यही लगता है कि चीन मौजूदा वक्त के सबसे बड़े संकट को झेल रहा है। चीन में अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। चीन में कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए भारत भी अलर्ट हो चुका है। कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भारत में भी चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रमीज राजा की जगह नजम सेठी को पीसीबी का नया अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसले को मंजूरी दे दी है। रमीज राजा साल 2021 में पीसीबी के चीफ बने थे। नजम सेठी पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ कुर्सी संभाल चुके हैं। खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूर्व पत्रकार नजम सेठी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने और मौजूदा रमीज राजा को हटाने की मंजूरी दे दी है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की हालत इस समय काफी खराब है, लेकिन इस मुश्किल दौर में भारत ने अपने पड़ोसी देश का साथ खूब दिया है। इस निराशा भले माहौल में अच्छी खबर आई है। डॉलर की कमी से जूझ रहे श्रीलंका ने भारत के रुपए में कारोबार पर सहमति जताई है। अब सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल का इंतजार है। आरबीआई की हरी झंडी के बाद श्रीलंका भारतीय रुपए को विदेशी करेंसी के रूप में इस्तेमाल कर पाएगा। फीफा वर्ल्ड कप में जीत के बाद अर्जेंटीना में लगातार जश्न का माहौल है। हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं, लेकिन जश्न के बीच अर्जेंटीना में कोरोना वायरस के केस में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां पिछले एक हफ्ते में कोरोना के 130% केस बढ़े हैं। अर्जेंटीना में अब तक 9,829,236 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 1.30 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन मार गिराए जाने की खबरें सामने आती रहती है। यह पहली बार नहीं है कि पाकिस्तानी ड्रोन को सीमा पर मार गिराया गया हो। इससे पहले भी पाकिस्तान कभी हथियारों या ड्रग्स की खेप भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता है, लेकिन हर बार भारतीय सैनिक पाकिस्तान के ड्रोन को आसमान में ही उड़ा देते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बुधवार को सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि सैनिकों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। कश्मीर और लद्दाख में आज से सबसे ठंडे मौसम की शुरुआत हो गई है। इन दोनों क्षेत्रों में 21 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक सबसे ठंडा मौसम रहता है। 40 दिन तक चलने वाले इस मौसम को चिल्ला कल्ला कहते हैं। इस मौसम में लद्दाख के सभी नदी नाले और झरने जम जाते हैं और तापमान -20 डिग्री तक लुढ़कता है और द्रास में तापमान -40 डिग्री तक लुढ़क जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मंगलवार को कहा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भारत के 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ा गया है, जिनमें मोढ़ेरा में प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर, गुजरात में पीएम मोदी का जन्मस्थान ऐतिहासिक वडन नगर शहर और त्रिपुरा में ऊनाकोटी जिले के ऊनाकोटी श्रृंखला में पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियां शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास संपर्क सुविधा सुधारने के लिए सरकार ने क्षेत्र में और मोबाइल टावर लगाने का फैसला लिया है। तवांग जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुए संघर्ष के बाद यह फैसला किया गया है। तवांग के उपायुक्त के एन दामो ने बताया कि BSNL और भारतीय एयरटेल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 23 नए मोबाइल टावर लगाएंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हुए इसके पॉजिटिव ग्रोथ की ओर इशारा किया है। बुधवार को अपने एक बयान में गवर्नर दास ने कहा कि भारत में अंतर्निहित आर्थिक गतिविधियां इस साल मजबूती बनी हुई है, लेकिन भारी कारकों से अर्थव्यवस्था को कुछ नुकसान होगा। ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए RBI 70 तेजी से बढ़ने वाले संकेतकों पर नजर रखे हुए है और उनमें से ज्यादातर ग्रीन बॉक्स में पाए गए हैं। राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा की विदाई हो गई है। करीब 16 दिन राहुल गांधी यहां रहने के बाद अब हरियाणा में एंट्री कर चुके हैं। इसी दौरान राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें लोग उनका गुस्सा देखकर हैरान थे। जब एक समारोह के दौरान यात्रा में एक युवक ने राहुल के साथ सेल्फी लेनी चाही तो वह उस पर भड़क गए और युवक का हाथ छटक दिया।
दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद आज हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार जोरदार गिरावट के साथ बंद हुआ, जिससे शेयर बाजार में निवेश करने वालों को भारी नुकसान हुआ। सेंसेक्स 600 अंकों से भी ज्यादा कमजोर हो गया। निफ्टी भी 18,200 के स्तर के नीचे बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 635.05 अंक फिसल कर 61,067.24 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 60,938.38 के स्तर पर भी पहुंचा था। एनएसई निफ्टी की बात करें तो यह 86.20 या अंक यानी 1.01% गिरकर 18,199.10 पर बंद हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सब्सिडी व मुफ्त योजनाओं को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने इस योजनाओं पर राज्य सरकारों के संबंध में कहा कि यदि आप अपने बजट में इसे रखने और इसके लिए प्रावधान करने में सक्षम हैं, अगर आपके पास राजस्व है और आप पैसे देते हैं तो किसी को आपत्ति क्यों होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य व किसानों को दी जाने वाली कई सब्सिडी पूरी तरह से उचित है। ओडिशा के गजपति जिले में बुधवार को भूकंप का हल्का झटका महसूस किया गया है। हालांकि भूकंप से लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई है। हालांकि अच्छी खबर है कि अब तक भूकंप के कारण किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं मिली है। इग्नू ने बीएड पीएचडी और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने यह तारीख 25 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी है। वैसे में जो भी स्टूडेंट्स इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं और नहीं कर पाए हैं तो वे इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रणजी ट्रॉफी 2022-23 में मुंबई के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने दोहरा शतक लगाकर एक बार फिर टेस्ट टीम में अपनी जगह बनाने के लिए दस्तक दे दी है। हैदराबाद के खिलाफ अजिंक्य रहाणे ने 204 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 261 गेंदों का सामना करते हुए 26 चौके और 3 छक्के लगाए। यह उनका फर्स्ट क्लास करियर का चौथा दोहरा शतक है। रहाणे ने सितंबर में नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ नाबाद 207 रनों की पारी खेली थी और अब हैदराबाद के खिलाफ दोहरा शतक जड़ दिया। हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद सकीर हुसैन, नन्नू गोलू कुमार, भान प्रकाश मौर्य, मोहम्मद नौशद राजा, मंजू कुमारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, चीन में बढ़ते कोरोना प्रकोप को देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत को भी इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।